तो चलिए शुरू करते हैं आज के सी टेट गणित पेडागोजी के यहाँ पे मैथ के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्नों पे, जो कि यहाँ पे रखे गए हैं, संभावित गेस पेपर भी हैं। तो सभी लोग क्या करिए, जल्दी से आ जाइए और सभी लोग अपने अपने ग्रुपों में एक बार क्या करिए, शेयर कर दीजिए। जो लोग नए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही क्या करिए बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुँच जाए, और शेयर भी ज़रूर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए और लाइक भी करना ना भूलें। तो सभी लोग क्या करिए, अपने अपने ग्रुपों में शेयर करिए, क्योंकि गणित के सबसे महत्वपूर्ण टॉप प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। तो जिनको भी यहाँ पे पीडीएफ प्राप्त करना है किसी भी प्रकार के एग्जाम की दृष्टि से, तो परमा एजुकेशन टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ें। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए लास्ट में आप लोगों को नंबर दिया जाएगा, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ के हर एक प्रकार के एनसीईआरटी से संबंधित भी आप लोगों को पीडीएफ फ्री में मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। सभी प्रश्नों को टैग वर्ड के आधार पर यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहा है, कक्षा दो के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग यानी जोड़ सिखा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त होगा। कहने का मतलब ये है कि किसी शिक्षण पद्धति में कक्षा दो के विद्यार्थियों को एक शिक्षक क्या कर रहा है कि योग यानी जोड़ सिखा रहा है, तो कौन सी युक्ति अनुसरण करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है, कक्षा दो के शाब्दिक प्रश्नों को न कराना। देखिए, कक्षा दो का बालक है, आपको यहाँ पे शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग ही करना होगा। तो दूसरा कह रहा है कि शाब्दिक प्रश्नों का उपयोग केवल जहाँ पे आए तुरंत काट दीजिए, नेगेटिव वर्ड है। तीसरा कह रहा है कि योग यानी जोड़ को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए, एकदम सही है। राइट आंसर हमारा जाएगा किसके साथ, तीसरे के साथ जाएगा, क्योंकि शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग करके ही बालक को सिखा सकते हैं, क्योंकि बालक जो है उतना लिखने का ढंग नहीं होगा उसे, कक्षा दो का या तीन का बालक होगा या एक का बालक होगा, तो उसे हम क्या करेंगे, बोल कर सिखाने का ही प्रयास करेंगे, जोड़ पढ़ाना है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न कह रहा है, कक्षा दो के शिक्षक ने योग यानी जोड़ के निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्नों का विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। देखिए, ये समुच्चय का प्रश्न बनेगा, क्योंकि वहाँ पे समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, एकत्रित करना, याद रखिएगा। दिए गए हैं, अब टोकरी में कितने सेब हैं, इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल श्रेणी से संबंधित है। पहला करा है संवर्धन, दूसरा करा पृथककरण, बांटने की बात कर रहा है नहीं, योग की पुनरावृत्ति, योग का दोहराने की बात नहीं कर रहा है, संवर्धन नहीं होगा, ऋणात्मक, यहाँ पे समुच्चय यानी एकत्रित कर रहा है। राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है हमारा चौथा, एकदम राइट आंसर होगा, ठीक है, समुच्चय होगा, क्योंकि एकत्रित कर रहा है, जोड़ रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे चौथा होगा, दूसरे का। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, तीसरा तो और भी बेहतरीन तरीके से है। तीसरा प्रश्न ये कह रहा है, गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। मतलब कह रहा है कि गणित में त्रुटियां करना एक महत्वपूर्ण भूमिका है, किस वो भूमिका कौन सी है, यह कथन किसका है, यानी कथन है किससे संबंधित है। पहला देखिए हमारा क्या कह रहा है, गलत, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है कि गलत है क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ये गलत है, बालक जितना अभ्यास करेगा उतने आसानी तरीके से सीखेगा। और यहाँ पे देखिए दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा ये कह रहा है कि गलत है क्योंकि त्रुटियाँ लापरवाही दर्शाती है, नहीं ऐसा नहीं है, बालक पहली बार कोई भी प्रयास करेगा तो वो गलती करके ही सीखेगा, ऐसा नहीं कि तुरंत सीख लेगा। तो यहाँ पे तीसरा हमारा देखिए क्या कह रहा है, सही है क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे में गणितीय अवधारणा की विकास किस प्रकार से रचना की जा रही है, एकदम राइट आंसर है, ठीक है। चौथा हमारा देखिए कह रहा है, सही है क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्रतांकों का मतलब होता है बांटने की बात कर रहा है, अंकों की बात कर रहा है, ठीक है, ग्रेडिंग की बात कर रहा है, ये गलत है। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है तीसरा एकदम सही होगा, क्योंकि बालक त्रुटियाँ करेगा तो ही सीखेगा, रचना करेगा, नए तरीके से उसे करने का प्रयास करेगा कि हमें ऐसे नहीं दूसरे तरीके से करना है, तो इस आधार पर हमारा तीसरे का तीसरा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न पे। जितने लोगों का तीसरा आया है एकदम राइट आंसर है, ये प्रश्न तो और भी बेहतर तरीके से है। कह रहा है कि कक्षा चार के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 और 1/100, याद रखिएगा 1/10 और 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री यानी TLM सर्वाधिक उपयुक्त होगा। तो पहला हमारा देखिए क्या कर रहा है, पहला हमारा कह रहा है कि यहाँ पे डाइंस ब्लॉक, दूसरा कह रहा है हमारा संख्या चार्ट, तीसरा कह रहा है गिनतारा अभिकस, और चौथा कह रहा है कि 10x10 का वर्गीकृत ग्रेड, ठीक है। तो इसका राइट आंसर अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरा के साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा, यहाँ पे संख्या चार्ट के साथ जाएगा। क्यों जाएगा संख्या चार्ट के, देखिए आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कह रहा है कि 1/10 जो है वह क्या है, 1/100 से
बड़ा है, तो संख्या चार्ट पे ही इसको दर्शाएंगे, संख्या पे ही बताएंगे कि 1/10 बड़ा है 1/100 से, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर संख्या चार्ट पे बताने के लिए 1/10 का मतलब होता है कि किसी एक भाग का, किसी एक चीज़ का 10 भाग करना, ठीक है, 10 लोगों में बांटना। और यहाँ पे दूसरा करा है कि 1/100 यानी किसी एक भाग का 100 लोगों में बांटना, 100 लोगों को देना। तो यहाँ पे अगर एक में से 10 टुकड़ा हो रहा है तो बड़ा होगा, एक में से 100 टुकड़ा हो रहा है तो छोटा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या चार्ट ही एक बेहतर उपयुक्त शिक्षण प्रणाली है, TLM यहाँ पे अधिगम सामग्री है जिसके माध्यम से हम बालकों को सिखा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 5वें प्रश्न पे, 5वां तो और भी अच्छा है। देखिए 5वां प्रश्न ये कह रहा है कि 2 या उससे अधिक 2 बीमाओं वाली संख्याओं के मापों या क्षेत्रफलों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वाधिक उपयुक्त है। तो पहला कह रहा है अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग, दूसरा कह रहा है आकलन, तीसरा कह रहा है प्रक्षेपण, तीसरा और चौथा कह रहा है कि अध्यारोपण। तो इसका 5वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। अगर हम बात करें 2 बीमाओं वाली अधिकतम बीमाओं वाली संख्या वस्तुओं की मापों का क्षेत्रफल की तुलना करने की बात कर रहा है, तुलना यानी दोनों में कौन छोटा कौन बड़ा है, तो अप्रमाणिक इकाइयों का प्रयोग नहीं होगा, आकलन नहीं होगा, प्रक्षेपण होगा। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। 6वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं, 6ठा देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा, ये तो और भी बेहतर तरीके से प्रश्न आप लोगों को समझ में आना चाहिए, क्योंकि ये देखिए कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियों की मदद करती है, यानी प्राथमिक स्तर है उस पर गणित की पहेलियाँ मदद करती है। मतलब मान लीजिए अगर 1, 2, 3, 4 का बालक है, उसे अगर गणित सिखाना है तो गणित पहेलियों के माध्यम से सिखाएंगे तो बेहतर तरीके से सीखेगा। जैसे मान लीजिए हम कह दें आप आ रहे हैं घर से, रास्ते में कितने पेड़ मिले, तो बालक कहेगा कि हमें 4 पेड़ मिले रास्ते में। और दूसरे बालक से कहेंगे आप बताओ कि रास्ते में आते समय कितने पेड़ आपको मिले, तो वो कहेगा हमें 3 पेड़ मिले। अब कहेंगे कि दोनों लोग उस पेड़ को काउंट करो, तो 1 4 है और 1 3 है, तो कहेगा 7। या फिर हम कहेंगे कि एक कहानी के माध्यम से उसे सिखाने का प्रयास करेंगे तो बालक और अच्छे तरीके से सीखेगा। तो इस आधार पर देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन होता है। पहला कह रहा है कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचान करना, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप उन्हीं लोगों को पहचाने, सभी लोगों को एक समान लेके चलेंगे। दूसरा कह रहा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान नहीं करना है, याद रखिएगा। समस्या सुलझाने के कौशल को परखने की बात नहीं, समस्या सुलझाने का एक तरीका ढूंढना है कि किस प्रकार से बालक सीख सके। तो यहाँ पे समस्या सुलझाने का कौशल परखने यानी कौन सा कर रहा है बालक, ऐसा नहीं है। प्राथमिक स्तर में पहेलियों की बात किया है, तो कह रहा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करेंगे कि किस प्रकार से बालक उसे सॉल्व कर सकता है। तो इस आधार पे राइट आंसर हम कर सकते हैं, चौथा हमारा सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे, 7वां देख लेते हैं क्या कह रहा है। 7वां ये कह रहा है कि गणितीय संरचना उल्लेख करता है, गणित का संरचना क्या उल्लेख करता है। पहला कह रहा है कि गणितीय विचारों को यहाँ पे समाहित और संगठित करने की क्षमता, दूसरा कह रहा है समस्या को सुलझाने की क्षमता, तीसरा कह रहा है कि गणित प्रश्न उत्तर में भाग लेने का कौशल, और चौथा कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलने की क्षमता। तो राइट आंसर यहाँ पे 7वें का क्या जाएगा। अगर देखिए चौथे से बात करें, यहाँ पे कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में बोलना नहीं, गणित के कक्षा कक्ष में आप क्या करेंगे, अधिकतर प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा गणित प्रश्नोत्तर में भाग लेने का कौशल ये नहीं है, यहाँ पे गणित संरचना की बात किया है। तो समस्याओं को सुलझाने की क्षमता नहीं, यहाँ पे गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता होगी। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 8वें प्रश्न पे, 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो नहीं की बात किया है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है, बच्चों की सोच विचार प्रक्रिया का गणितीय रूप देना, ये तो आपका होगा। एक मिनट, यहाँ पे बच्चे की सोच विचार की प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, गणितीय रूप नहीं देना है। और दूसरा हमारा कह रहा है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी नहीं होगा, गलत है। समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देना, ये भी नहीं होगा। गणित की उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, नहीं। राइट आंसर किसके सजेगा, पहले के सजेगा। NCF 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो यही पहला है। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न पे, 9वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है, और सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर गणित के पाठ्य पुस्तकों की सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है। पहला कह रहा है संकल्पनाओं का उच्चतर कक्षाओं
कराए कि उच्चतर कक्षाओं से संबंध जोड़ा जाना चाहिए, और दूसरा कराए की संकल्पनाओं को जटिलता से सरल रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए, और तीसरा कराए संकल्पनाओं को पूर्णतया श्रेणीबद्धता में प्रस्तुत करना चाहिए, और चौथा कराए की संकल्पनाओं को मूर्त से अमूर्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए। तो नौवें का राइट आंसर यहाँ पर किसके साथ जाएगा, यहाँ पर देखिए क्या कहा है, थोड़ा सा चौथा देख लीजिए। यहाँ पर कहा है कि मूर्त से अमूर्त रूप प्रस्तुत करना चाहिए, कोई वस्तु हो उसे दिखाकर उस पर तर्क विचार कराने की क्या करना चाहिए, यहाँ पे संकल्पना बनानी चाहिए, यानी बौद्धिक क्षमता बढ़ाना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। दसवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। दसवां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि ज्यामिति समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी क्रम सही है। तो पहला कह रहा है मानसिक चित्रण, औपचारिक निगमन, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन। दूसरा कह रहा है मानसिक चित्रण, विश्लेषण, अनौपचारिक निगमन और आचरण। यहाँ पे चौथा, तीसरा कह रहा है औपचारिक निगमन, अनौपचारिक निगमन, मानसिक चित्रण, विश्लेषण, और चौथा कह रहा है कि मानसिक चित्रण, विश्लेषण, औपचारिक निगमन, और यहाँ पे कह रहा है कि औपचारिक निगमन। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दसवें का। देखिए जितने लोगों का दसवें का चौथा है एकदम सही, क्योंकि मानसिक चित्रण होना, मन में आपके चित्र, अपने दिमाग में चित्रण होना जरूरी है। दूसरा कह रहा है कि विश्लेषण, बांटने की शक्ति होनी चाहिए। औपचारिक यहाँ पे निगमन होनी चाहिए, औपचारिक जो हो, ठीक है, जो चीज़ें हों उस पर आपका चित्रण होना चाहिए। अनौपचारिक यानी लास्ट में अनौपचारिक निगमन, यानी जो नहीं है उस पर तर्क करना चाहिए। तो राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम सही है। ग्यारहवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। ग्यारहवां और भी बेहतर है। कराया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला, कराया है कि संख्या 9 के बाद शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। दूसरा, कराया है कि स्थानीय मान सिखाते समय शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। और तीसरा, कराया है पढ़ाई जाने वाली प्रथम संख्या शून्य होनी चाहिए। और चौथा, कराया है बच्चों में संख्या ज्ञान विकसित करने के लिए करने के बाद शून्य का परिचय देना चाहिए। तो एकदम राइट आंसर है कि भी कभी भी आप किसी चीज़ को पढ़ाएंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि संख्या ज्ञान विकसित, यानी संख्याओं का ज्ञान जब हो जाएगा तब इसके बाद क्या करेंगे, शून्य का परिचय दिया जाना चाहिए। कि संख्याओं का ज्ञान होने के बाद शून्य का क्या महत्व है। मान लीजिए बालक को हम बता दें कि 1 से लेकर 9 तक, अब शून्य के बताने के लिए हम कहेंगे 1 के आगे अगर 0 लगाएंगे तो ये 10 यानी दहाई हो जाएगा। अगर 1 के पीछे लगाएंगे अगर आप, तो याद रखिएगा ये आपका होगा 0 यानी पॉइंट लगाना पड़ेगा, यानी पॉइंट में हो जाएगा 0, यानी 1 से भी उसका 99 गुना कम हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले एक संख्या ज्ञान का विकसित करेंगे, फिर इसके बाद में शून्य का प्रयोग करेंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। बारहवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कितने लोगों का ये सही होता है। अगर कक्षा 3 के विद्यार्थियों को आधे की संकल्पना का परिचय देने के लिए शिक्षक निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप बताएगा। तो पहला, चित्र दिखाना जिसमें आधा प्रदर्शित किया गया हो। दूसरा, कराया कि आधे चिन्ह दिखाना। तीसरा, कराया कि बहुत सारे मूर्त पदार्थों और आधे विभाजित करता है। और चौथा, कराया कि कहानी शब्दों का प्रयोग आधा प्रदर्शित करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, बारहवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन से क्रियाकलाप का योजना बनाना है, याद रखिएगा। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले बहुत सारे मूर्त पदार्थों और आधा विभाजित प्रश्न दिखाएंगे, यानी जो मूर्त या जो वस्तु हो उसे दिखाएंगे। तो ये तो पहले पे आ गया, ठीक है। और इसके बाद क्या करेंगे, चित्र दिखाता है जिसमें आधा प्रदर्शन, फिर इसके बाद हम चित्र दिखाएंगे, ये आ गया दूसरे पे, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम कहानी शब्दों का प्रयोग और आधा प्रदर्शित करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा तीसरे पे, और चौथे पे आएगा दूसरा हमारा। तो एक यानी ये लास्ट आंसर जाएगा हमारा, पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कह रहा है कि एक शिक्षक को कक्षा 1 और 2 में क्या करना चाहिए, गणित शिक्षण अधिगम बढ़ाने के लिए कौन सा उपयुक्त तो यहाँ पे पद्धति अपनानी चाहिए। तो पहला, कह रहा है अभ्यास के लिए बहुत सारे अवसर उपलब्ध कराना। दूसरा, कह रहा है कक्षा 1 और 2 में केवल गणितीय मौखिक, यहाँ केवल दिया है याद रखिएगा, तो केवल तो गलत है, याद रखिएगा, काट दीजिए। गणित में अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि समाकलन का किया जाना चाहिए, समाहित करना चाहिए, यह भी सही है। कक्षा 1 और 2 में नहीं पढ़ाया जाना, गलत है, पढ़ाना चाहिए। तो अभ्यास के अधिक अवसर तो है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कक्षा 1 और 2 के बालकों की तो बहुत से अधिक नहीं देंगे, ये गलत है। केवल शब्द ये भी गलत है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा, यहाँ पे तीसरे के साथ। गणित का अन्य विषयों जैसे भाषा, कला इत्यादि में समाकलन यानी समाहित करना चाहिए गणित को। 14वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है, अब इसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। कह रहा कि यदि 1001 गुणे 101 111 बराबर हैं 110000,
प्लस द 11 गुणे डैश है तो रिक्त स्थान होगा। कह रहा है कि 1001 और गुणे 111 बराबर है किसके, 110,000 प्लस 11 और डैश दिया है, तो रिक्त स्थान पे कौन सी संख्या होगी। अगर हम रिक्त स्थान को हम x मान लेते हैं, ठीक है, रिक्त स्थान को x मान लेते हैं, तो आगे देखते हैं क्या है। यहाँ पे कहा है कि 1000, यहाँ पे 1001 गुणे 11 कहा है, 111 कहा है, ये बराबर है किसके, ये बराबर है 110,000 के, किसके बराबर है 110,000 प्लस कितना है 11 है और रिक्त स्थान पे कितना है x है। तो हम एकदम समझते हुए चलेंगे, कहा है 1001 में 111 गुणा करने पर बराबर है कितना 110,000 प्लस 11 गुणे x, यानी रिक्त स्थान है तो x मान लिया हमने, ठीक है। तो अगर हम 11 बराबर x कर लेते हैं, ठीक है, 11 बराबर यहाँ पे 11 गुणे x के बराबर हम करते हैं, 11 x कर लेते हैं अगर हमें, तो ये हमारा होगा 110,000, 110,000 प्लस 11 गुणे x, ये हुआ तो हमारा हुआ ये 100,000, यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 111,111, 111,111 माइनस कितना है 110,000, 100,000 कितना है 10,000 है। अब इसको घटाने पे हमारा संख्या प्राप्त होगा 1,111, इतना प्राप्त हुआ। तो x बराबर हमारा कितना 1,111 बटे में हम 11 कर सकते हैं और इसे काटेंगे भाग देंगे तो हमारा आएगा 101। तो राइट आंसर यहाँ पे 101 किस पे है, तो पहले पे है, राइट आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न में, 15वां तो और भी बेहतर तरीके से हम समझ सकते हैं। 15वां ये करा है, यदि यदि 152,001 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार, यानी कह रहा है कि 15201 में 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 गुणे यक्ष मान लेते हैं, यहाँ पे हम कितना मान लेते हैं यक्ष मान लेते हैं, तो रिक्त स्थान पे क्या होगा, रिक्त स्थान पर हम यक्ष मान लेते हैं। यहाँ पे कहा है कि 15201 में 5 का स्थानीय मान, तो 5 का स्थानीय मान हमारा कितना होगा, यहाँ पे 5000 होगा। और यहाँ पे कह रहा है प्लस करिए, यहाँ पे कह रहा है कि 2659 में 6 का स्थानीय मान, तो 600 होगा, 600 हो गया यहाँ पे हमारा। तो कहा है कि 7 गुणे यक्स क्या होगा, तो यहाँ पे ये कहा है, तो 7 गुणे अगर यक्स का है, 7 बराबर यक्स, तो ये होगा हमारा 7 यक्स, याद रखिएगा 7 यक्स हो गया हमारा। अगर हम इसको अगर जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे तो हमारा आएगा कितना 5600, कितना आया 5600, और यहाँ पे 7 दिया ही है तो हम क्या करेंगे, इसको 75 करेंगे, ठीक है। तो यक्स बराबर हो गया हमारा 5600 बट्टे के 7 हो गया हमारा। अगर हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 800, 8 × 56, तो राइट आंसर यहाँ पे 800 हो जाएगा, चौथे के साथ जाएगा। तो जितने लोगों का यहाँ पे चौथा आया है एकदम सही है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 16वें प्रश्न पे, 16वां प्रश्न देखते हैं क्या कर रहा है। सार्वगुणज की बात किया है, किसकी बात किया है, सार्वगुणज यानी मसा निकालने की बात किया है। अगर 3648 का सार्वजन यानी गुणनखंड निकालेंगे हम, तो यानी सार्व धनात्मक गुणनखंड निकालेंगे, अगर ये निकालेंगे तो इसका सार्वगुणज जो होगा हमारा, अगर निकालते हैं तो 36 और 48 का अगर हम निकाल लेते हैं, यहाँ पे 36 और 48 का सार्वगुणज सबसे यहाँ पे कह रहा है कि धनात्मक निकालना है, तो पहला हमारा कटेगा यहाँ पे 2 से 3 से 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, 12 से भी कटेगा। अगर इसका सार्वगुणज हम डायरेक्ट निकालने के बाद हम बात करें तो इसका आएगा 1728, कितना आएगा 1728 आएगा इसका सार्वगुणज, आप ये मसा निकालिएगा उसका 1700 इतना आएगा। और रिक्त स्थान पे बात किया है, तो रिक्त स्थान पे बात किया है 1728 और यहाँ पे 999 प्लस 9 गुणे यक्स, तो हम कह सकते हैं इसको, हम इसको कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1728 बराबर लिख सकते हैं 999 प्लस 9 गुणे यक्स, इतना लिख सकते हैं, क्योंकि हम रिक्त स्थान के स्थान पे हमने यक्स मान लिया हमने, तो यहाँ पे इसको हम 75 करेंगे तो 9 यक्स बराबर हो गया हमारा 1728, कितना हुआ 1728 माइनस 999,
999 हुआ बराबर कितना हुआ 729, 729 बराबर हमारा हुआ 729, क्योंकि 1728 में से 1728 में से 999 हम निकालेंगे तो 729 बचेगा हमारा, ठीक है। अब यक्स बराबर हम करेंगे 729 बटे के 9, कितना करेंगे 729 बटा के 9 करेंगे, 729 बटा के 9 अगर इसको हम काटेंगे भाग देंगे तो भाग देने के बाद हमारा बचेगा 81, तो जिसमें भी 81 आया एकदम राइट आंसर होगा, यहाँ पे पहला हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वें प्रश्न पे, 17वां देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। 17वां कह रहा है कि यहाँ पे 26/6/1979 को 39 से भाग देने पर तथा 29/405 को 34 से भाग देने पर प्राप्त शेषफलों में अंतर 18 से यहाँ पे भाग देने पर, यानी कह रहा है कि 26 और 39 में भाग देने पर जो उसका शेषफल बचता है और 29/405 में भाग देने पर 34 से जो शेषफल बचता है उससे उसमें उस अंतरों में 18 से भाग यहाँ पे भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। अगर 26/6/1979 में 39 से भाग देंगे हम तो इसका शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, और इसका 29/405 में अगर हम 34 से भाग देंगे तो इसका जो शेषफल बचेगा हमारा यहाँ पे 29 बचेगा, कितना बचेगा 29 बचेगा। भाग दे के देख लीजिएगा कि वो लंबा प्रोसेस जाएगा इसलिए हम डायरेक्ट पहले से ही किए हैं तो हम बता दे रहे हैं कि इसका अगर हम भाग देंगे तो 3 बचेगा और इसका इसका भाग देंगे हम तो 29 बचेगा, कितना बचेगा 29। अब कहा है शेषफलों का अंतर, तो हम करेंगे 29-3, क्या करेंगे 29-3 बराबर हमारा बचेगा 26, याद रखिएगा कितना बचेगा हमारा 26 बचेगा। अब 26 को 18 से भाग देंगे, क्या करेंगे 26 को भागे 18 से भाग देंगे तो इसका जो राइट आंसर आएगा, इसका जो भाग देंगे तो इसका राइट आंसर आएगा 8, क्योंकि यहाँ पे 26 में 18 से भाग देंगे तो राइट आंसर बचेगा हमारा यहाँ पे। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव मत जरूर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।